सुनो, जाके लड़की को लेके आओ। गलत वक्त पर गलत जगह पहुंच गया तू। लड़की चाहिए ना, लेके जाओ इसे। हिम्मत है तो लेके जाओ। तुम्हें इस रूप में देखकर बहुत डर लग रहा है सत्या। मुझे लड़ाई झगड़े मारपीट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं जी लूंगी। I love you. यहां से कहीं दूर ले चलो, मुझे यहां नहीं रहना है। खुश हो ना भाई? मुन्ना बोल रहा हूँ। क्या हुआ? वो दोनों हैदराबाद जाने वाली बस में बैठे हुए हैं। तूने अपनी बेटी को छुपा के रखा था ना? हाँ, और मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर सकता हूँ। इंस्पेक्टर। हाँ भाई। पति को पत्नी पे शक था, इसलिए उसका खून करके खुदकुशी कर ली। कल के पेपर में छपना चाहिए। संजू। हाँ भैया। उस लड़की ने मुझे धोखा दिया है और सत्य की शक्ल मुझे पसंद नहीं है। आज रात वो दोनों हैदराबाद जा रहे हैं, समझ गया ना? समझ गया भैया। अगर वो लड़की मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं। बस आपकी तरफ आ रही है। दीप्ति चलो चलो। कौन हो तुम लोग? हट जा। बस क्यों रोकी? अरे चुप बैठ। ए, ये क्या गुंडागर्दी कर रही है?
छोड़ दे उसे प्लीज प्लीज। हैप्पी जर्नी। रुक जा। देवा बस को आग लगा दे। शैलजा को फौरन बुलाओ। पेशेंट को देखा डॉक्टर? हाँ देखा। 70% बर्न इंजरीज, आधा चेहरा बुरी तरह से जल चुका है। His facial tissues are being exposed to air, इसलिए उसका ब्रेन कभी भी इन्फेक्ट हो सकता है। Even his vocal cords are infected. और बॉडी पर काफी गहरे जख्म भी हैं डॉक्टर। ये एक एक्सीडेंट था ना? उस एक्सीडेंट में कोई नहीं बच पाया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कि उसकी सांसें अब तक कैसे चल रही हैं। वो जीना चाहता है। He wants to live. I don't think it's possible. जब उसने अब तक हिम्मत नहीं हारी तो तुम क्यों हिम्मत हार रहे हो? It's not our duty. लेकिन पेशेंट कोमा में है डॉक्टर, और ना ही उसकी कोई खबर लेने आया है। अगर उसे कुछ हो गया तो who will take the responsibility? He is my responsibility. जिंदगी तुम्हारी नहीं है, मेरी है। मैंने तुम्हें ये जिंदगी दी है, शांत हो जाओ प्लीज। सिस्टर, खोलो। जीवन में तुम्हें कभी इतने सरप्राइज नहीं मिले होंगे। बी रेडी फॉर इट। Oh,
तुम्हारा ऑपरेशन मामूली नहीं था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। कुछ दिनों के लिए थोड़ा सब्र रखना, सब कुछ अपने आप समझ आ जाएगा। खराब हो जाएगी, अब हम क्या करें? ढूंढो उसे, हमें हर हाल में उसे ढूंढना होगा।